से फोन इधर से आ जा इधर से इधर से आ भाई सामने चढ़ो अरे आ जा सर सर बाहर बाहर आइए और आइए नतीन नतीन अरबाज अरबाज ले लेना हाथ में भाई उसके हाथ में ना बच्चे ले लेना हाथ में ले लेना यहाँ पे आप मेरी जगह पे आओ मेरी जगह आरसी जी कंग्रेचुलेशन आपने स्टेज पे ये बन के आई है क्या कहना चाहेंगे आप मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड अब मैं उतनी ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि ये मैं जीत गई हूँ तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैं इस चीज़ के लिए बहुत बहुत प्राउड एंड हैप्पी हूँ कि मैंने अपनी कंट्री को इतनी अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि उन्होंने मुझे विनर डिजर्विंग समझा And this is the first ever time that India has won Miss World Teen. I'm the first one to ever hold this crown. And with this, I become the youngest Indian to ever hold a crown. So many big things happening. And I'm very excited to see what's coming next and represent my country further and ever. After Naamkaran, you are selecting for this big award for India. And this is very proud moment for India. What the experience, how the journey for From Naamkaran and then? So, Naamkaran was a very enlightening journey because I was acting karti aa rahi hu from when I was 3 years old. But usme maine acting ke alawa bahut sari cheeze seekhi. In pageant, ek naya route tha, meri life mein ek naya layer tha. And pageant jeetne ke baad meri baat hui, you know, the panel of judges and everyone se. And unse mujhe pata chala ki pageant mein सिर्फ राउंड्स नहीं देखे गए आपने कैसा परफॉर्म किया वो नहीं देखा गया है मतलब उसके साथ साथ ये
होल्ड करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स, इंटरेक्शन विद यू नो को कंटेस्टेंट्स एंड एवरीथिंग, एंड दे फाउंड मी वर्दी इन एवरी यू नो बॉक्स, थिंकिंग दैट यू नो आई एम वर्थ विनिंग दिस क्राउन एंड विनिंग दिस टाइटल. एंड इट एडेड अ कम्प्लीटली न्यू लेयर यू नो विजन वाइज, क्योंकि मैं इतने सारे कंट्री के लोगों से मिली, उनका कल्चर मैंने और यू नो करीबी से जाना. सो हाँ, आई वुड से दैट आई एम वाइजर एंड बेटर देन व्हाट आई वाज, एंड व्हिच मेक्स दिस इवन बेटर. सो आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई हैव दिस एंड आई मेक अ गुड यूज ऑफ दिस. आशीन, हु इज योर इंस्पिरेशन? माय इंस्पिरेशन हैज टू, एक सेकंड, माय इंस्पिरेशन हैज टू बी, फर्स्ट इंस्पिरेशन एवर वाज माय पेरेंट्स. Like seeing my mom, how she carries herself, how she dresses herself, you know, say I thought ki acha you have to dress like this, you have to carry yourself, the importance of how you present yourself. From my dad I learned the importance of good vocabulary, the importance of wiseness, and one very good habit of my dad that I actually got hold of unknowingly was that wo jahan bhi jaate hain, jo bhi karte hain, wo hamesha thank you bolte hain. मतलब अगर वो किसी शॉप में गए, उन्होंने कुछ लिया, बाय किया, तो वो पर्सन को बोलेंगे थैंक यू सो मच एंड ऐसे. सो वो सारे एथिक्स, सारे वैल्यूज मैंने डैड से सीखे. सर रियली से दैट थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू. नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू. वो सर वन क्वेश्चन फ्रॉम सर, बीइंग सर बीइंग बीइंग प्राउड पेरेंट्स, व्हाट डू यू से? विद माय स्पीचलेस बिकॉज़ वो जब से जीत के आई है तो ऑफ कोर्स वी आर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड होपफुली यहाँ से इसको आगे इंशाल्लाह कौन अल्लाह तौफीक दे बहुत आगे बढ़ा. यही तो है वो जब अभी वो एसएससी में, वो आईसीएसई के 10th के बोर्ड में है, राइट, और 27 से उसके एग्ज़ाम शुरू हो रही है, तो ये जब पेजेंट की बात आई तो मुझे ऐसा था कि पढ़ाई के बीच में कहाँ, बोर्ड्स के बीच में कहाँ ये कर रही हो. मैंने बोला यू आर नॉट रेडी फॉर इट. तो बच्ची ने कहा मम्मी मैं 2 साल से पेजेंट स्टडी कर रही हूँ एंड आई एम वेरी मच रेडी फॉर इट. तो ये हमें पता ही नहीं था कि बच्ची ये तैयारी कर रही है और इतना वो आगे निकल चुकी है इसमें. जब ये क्राउन मिला हम सिंकिंग होने में टाइम लग रहा है कि हमारी बच्ची को इतना बड़ा ओहदा मिला है, इतना बड़ा ये मिला है. इसके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है डेफिनेटली. अभी बोर्ड्स ख़त्म होने के बाद शी हैज़ प्लान्स, बहुत सारी लाइनअप चीज़ें हैं, उसके लिए भी आपको इत्तला की जाएगी. वो जो जो करना चाहती है अभी मैं बोल नहीं रही हूँ, जैसे करेगी, जब करेगी तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, वो भी कवर कीजिएगा. और कितना दूर की सोचती है ये सबके लिए एक सबक है. आपको सब करते होंगे कि आपका ड्रीम होता है वो पूरा होता ही है. उसके मोबाइल पे जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर उसने 2 साल से क्राउन लगा के, किसी का बॉडी किसी का था, अपने फेस पे क्राउन लगा के, जैसे वो पेजेंट जीत के आई है, मिस वर्ल्ड जीत के आई है, उस तरह का पिक्चर लगा के रखा है 2 साल से. आज उसका वो सपना पूरा हो. तो हम जो बोलते हैं कि कायनात से आप मांगोगे तो मिलता ही है, वो 2 साल से वो मांग रही थी जो उसे मिला है.